स्लैशर फिल्म्स हॉरर की एक ऐसी जॉनरा है जिसमें अक्सर हम किसी कातिल को देखते हैं जो कि लोगों को बेरहमी से मार रहा होता है। वेल तो ऐसे ही एक स्लैशर फिल्म 2022 में रिलीज हुई है जिसका नाम है दे देम, और आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को जानेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं पिछले कुछ 5-6 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं एक फैमिली ट्रिप पे गया था। लेकिन अब जबकि मैं वापस आ चुका हूं तो इस महीने के अगले 15-16 दिन में आपको 10-12 वीडियो मैं दूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक लेडी को अपनी कार में देर रात जंगल में से होते हुए कन्वर्जन कैंप, जिसका नाम विस्लर कैंप था, उसकी ओर जाते हुए देखते हैं। उस लेडी की कार का अचानक से टायर पंक्चर हो जाता है, और जैसे ही वो चेक करने के लिए नीचे उतरती है तो पीछे से एक मिस्टीरियस फिगर अपीयर होता है जो कि एक एक्स यानी कि कुल्हाड़ी से उसे जान से मार देता है। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग हम विस्लर कैंप में कुछ LGBTQ+ ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं, जिनकी मुलाकात विस्लर कैंप के ओनर ओवन विस्लर से होती है, जो कि पिछले कई सालों से इस कैंप को चला रहे थे। ओवन उन लोगों को बताते हैं कि ये जगह एक सेफ स्पेस है और उन्हें यहाँ कन्वर्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। अब इस पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि यूजुअली कन्वर्जन कैंप्स ऐसी जगह होती है जहां LGBTQ मेंबर्स की सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज करने की कोशिश करी जाती है, यानी कि सपोज एक बंदा गे है तो फिर उसे स्ट्रेट बनाने की कोशिश करी जाएगी। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, कैंप का ओनर ओवन सभी के लैपटॉप से फोन ले लेता है और सभी लड़के और लड़कियां को अलग अलग अपने अपने केबिन में रहने के लिए कहता है। इसी दौरान जॉर्डन नाम का एक लड़का वहीं खड़ा रह जाता है क्योंकि वो बाइसेक्सुअल था। जॉर्डन ओवन से कहता है कि वो ट्रांसजेंडर है और बॉयज के केबिन में नहीं जाना चाहता, लेकिन ओवन के कहने पर उसे बॉयज के केबिन में ही जाना पड़ता है। कुछ देर बाद सभी लोग एक ग्रुप में बैठकर अपने यहाँ पर आने के रीजंस बताते हैं, जहाँ हमें जॉर्डन की स्टोरी पता चलती है। दरअसल जॉर्डन अपनी रिलीजियस फैमिली से ये डील करा था कि अगर वो इस कैंप में एक वीक बिता लेता है तो उसकी मंजूरी के साथ उसे अपनी जिंदगी जीने की आजादी दे दी जाएगी। एनीवेज, अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉर्डन एक अलेक्जेंड्रा नाम की लड़की से नाराज था क्योंकि अलेक्जेंड्रा किसी को बताई ही नहीं थी कि वो भी एक ट्रांसजेंडर है। ऐसे में जॉर्डन ये बात आउट कर देता है, जिसकी वजह से उसे गर्ल केबिन से निकालकर बॉयज वाले केबिन में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा गर्ल केबिन की न्यू नर्स मॉली को कन्विंस करती है ताकि वो उसे उसकी दवाई वापस दे दे। बेसिकली ये दवा एस्ट्रोजन हार्मोन थी जो कि फीमेल में मेल के मुकाबले ज्यादा होती है, एंड शायद आपको पता होगा कि जब भी कोई मेल से फीमेल में ट्रांसफॉर्म करता है तो उसे एस्ट्रोजन दिया जाता है। खैर, यहाँ हमें पता चलता है कि अलेक्जेंड्रा के पेरेंट्स ने उसे फोर्सफुली इस कैंप में भेजा है, और वो ये कहकर उसे यहाँ भेजे थे कि अगर वो कैंप नहीं जाएगी तो उसे उसके भाई से मिलने नहीं दिया जाएगा। अब ऑफ कोर्स इन सब के कारण अलेक्जेंड्रा यहाँ काफी अकेली फील कर रही थी, और अगर मैं वहां होता तो अलेक्जेंड्रा को जंप टास्क रिकमेंड करता जिसका इस्तेमाल करके वो अपने खाली टाइम में कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकती थी। जी हाँ दोस्तों, जंप टास्क एक ऐसा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के लोग अलग अलग तरह के टास्क को डालते हैं और आपका काम है उन टास्क को कंप्लीट करना। अब इन टास्क को कंप्लीट करके आप पैसे कमा सकते हैं, और ये टास्क कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको किसी तरह का गेम खेलना पड़े, या फिर हो सकता है आपको किसी तरह की एड देखनी पड़े, या फिर ट्रांसलेशन करना पड़े इत्यादि। अब ये सुनकर ऐसा मत समझना कि आपको जो दिया गया टास्क है वही करना है। जी नहीं, वहां लिस्ट ऑफ टास्क रहेंगे, आप उसमें से अपने हिसाब से अपनी तरह के टास्क को चुनिए, उसे कंप्लीट कीजिए एंड पैसे कमाइए। बेसिकली कहा जाए तो यू आर योर ओन बॉस। अब जंप टास्क को ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। देखो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप इसे साइन अप कीजिए, एंड साइन अप करने पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। और ये जो पेमेंट होती है ना, वो बेसिकली जंप टोकन में होती है, जो कि इनका अपना क्रिप्टो करेंसी है। इस क्रिप्टो को स्टोर करने के लिए आप मेटामास्क क्रिप्टो वॉलेट का यूज कर सकते हैं, जिसे ज्वाइन करने का प्रोसेस अगेन बहुत ही सिंपल और इजी है। तो देखा जाए तो अगर आप जंप टास्क यूज करते हैं तो आप अपने हिसाब का काम करके पैसे बना सकते हैं, साथ ही आप क्रिप्टो वर्ल्ड से भी बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों में है, उस पे क्लिक करो, जंप टास्क को ज्वाइन करो एंड बी द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री लीडिंग ग्लोबल वर्कफोर्स। अर्न मनी, ट्रीट योरसेल्फ बिकॉज यू डिजर्व इट। डाउनलोड जंप टास्क नाउ।
कमिंग बैक टू स्टोरी, एक रात ओवेन सभी लोगों को दो दो के पेयर्स में डिवाइड करते हैं और साथ ही उस पेयर के हाथों को हैंडकफ करते हुए उनकी आंखों पे पट्टी बांध कर उन्हें जंगल में ले जाते हैं। ओवेन उन्हें कहता है कि सभी को जंगल में घूमने के बाद सेम स्पॉट पे रुकना है और अगली सुबह कैंप के कुछ लोग आकर उन्हें पिक कर लेंगे। ये सब सुनकर कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन ओवेन उन्हें प्रॉमिस करता है कि अगली सुबह वो उन्हें लेने आएगा, इसीलिए सभी लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। इस पॉइंट में मैं आपको दो और कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा, हु आर ज़ेन और उसकी फियांसे सारा, और ये दोनों कैंप के एथलेटिक्स और एक्टिविटीज डायरेक्टर थे। एनीवेज, जंगल में जॉर्डन और अलेक्जेंड्रा को एक डरावना आदमी हुडी पहने हुए दिखता है, और दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि मूवी के पहले सीन वाला इंसान था जिसने एक लेडी को मारा था। नेक्स्ट सीन में हम कैंप के कुछ मेंबर्स को ग्रुप के लोगों के बैग्स चेक करते हुए देखते हैं, जिस दौरान डॉक्टर कोरा विस्लर, जो कि ओवेन विस्लर की वाइफ है, उन्हें जॉर्डन के बैग में एक बाइबल मिलती है जिसमें उसने काफी सारी पेंटिंग्स बना रखी थी। डॉक्टर कोरा को बाइबल में जॉर्डन की फैमिली की फोटो भी मिलती है। सीन कटक और जंगल की तरफ आता है जहां सुबह हो चुकी थी, और इसीलिए ग्रुप के सभी मेंबर्स को वापस से केबिन में लाया जाता है, और यहां डॉक्टर कोरा कुछ लोगों की थेरेपी करती है। डॉक्टर कोरा थेरेपी के लिए जॉर्डन को बुलाती है और उसे ये सोचने में मजबूर कर देती है कि वो सच में ट्रांस है भी या नहीं। ये बात जॉर्डन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसको अपने दिमाग पर जोर डालने से काफी परेशानी हो जाती है। जब वो केबिन में वापस लौटता है तो अलेक्जेंड्रा उसे समझाती है कि उसे ऐसे किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए और वो जैसा भी है बिल्कुल ठीक है। उसकी बात सुनकर जॉर्डन के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी दिखती है और वहां मौजूद सभी लोग मिलकर डांस पार्टी करते हैं। लेकिन यहाँ ओवेन बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा था और उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। देर रात अचानक जॉर्डन अपने बिस्तर से उठकर मेन ऑफिस में जाता है और कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, जहां उसे काफी सारी फोटोज मिलती है जिन्हें देखने पर उसे कैंप की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और साथ ही उसे कुछ बच्चों की फोटोज भी मिलती है जिन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। जब जॉर्डन ऑफिस में ये सब देख रहा होता है तभी वहां नर्स मॉली आती है और जॉर्डन को उन फोटोज के साथ पकड़ लेती है। जॉर्डन ये सब मॉली के साथ शेयर करता है, जिस पे मॉली उसे बताती है कि उसे इन सभी बातों के बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि उसने अभी कुछ ही दिन पहले विस्लर कैंप को ज्वाइन किया है। डरावा जॉर्डन से कहता है कि तुम्हें हमें प्रोटेक्ट करना होगा, जो सुनकर मॉली उसे सेफ रखने का प्रॉमिस करती है। अब जैसे ही जॉर्डन वहां से निकल रहा होता है तो मॉली उसे बताती है कि ओवेन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन जॉर्डन कुछ ऐसा रिप्लाई देता है जो सुनकर मॉली भी सरप्राइज हो जाती है। जॉर्डन कहता है कि इस बार इन लोगों ने गलत इंसान से पंगा लिया है, और उसी रात हम विस्लर कैंप के ग्राउंड कीपर बाल्थाजार को देखते हैं जो कि लड़कियों पर स्पाई कर रहा था और वो लड़कियों के वॉशरूम में ताका झाकी कर रहा होता है। ठीक उसी समय वही मिस्टीरियस फिगर आकर बाल्थाजार को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। खैर, अगली सुबह ओवेन ग्रुप को जेंडर वाइज डिवाइड करता है, जहां ओवेन बॉयज को शूटिंग रेंज पे लेकर जाता है और उसकी वाइफ गर्ल्स को बॉयज के लिए पाइज बनाने के लिए लेकर जाती है। यहां शूटिंग रेंज में जॉर्डन गन को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से होल्ड किए हुए होता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों को यह पता चल जाता है कि जॉर्डन को गन चलानी अच्छे से आती है। अब जॉर्डन का कॉन्फिडेंस देखकर जेन डिसाइड करता है कि वो जॉर्डन के साथ एक कॉम्पिटिशन करेगा जिसमें जॉर्डन और जेन के अलावा कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस कॉम्पिटिशन में जॉर्डन जीत जाता है क्योंकि उसकी शूटिंग काफी अच्छी थी और वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड से भी बिलोंग करता था। ओवेन को जॉर्डन पसंद तो नहीं था, लेकिन फिर भी ओवेन उसकी तारीफ करता है और उसके बाद ग्रुप में से एक टोबी नाम के लड़के को अपने डॉग ड्यूक को शूट करने के लिए कहता है। ओवेन की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन ओवेन सभी को बताता है कि उसके डॉग ड्यूक को कैंसर है और वो उसे ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। ओवेन एक शर्त भी रखता है कि अगर टोबी ड्यूक को नहीं मार पाया तो वो ड्यूक को जेन की मदद से टॉर्चर करेगा, जिसमें वो ड्यूक के पैरों को तोड़ देगा। टोबी बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि इतने में जॉर्डन ड्यूक को शूट कर देता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। मीनवाइल हम गर्ल्स को देखते हैं जहां सारा उनको पाई बनाना सिखाते सिखाते उनके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, लेकिन ये वेरोनिका को पसंद नहीं आता। पाई बनाने के बाद वो सभी को वहां से जाने के लिए कहती है एक्सेप्ट किम। सारा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, जिससे घबरा कर किम वहां से भागकर सीधा वेरोनिका के पास जाती है और उसे सब सच बताती है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आने लगते हैं, जिसके चलते वो एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं टोबी, अलेक्जेंडर और जॉर्डन कैंप के बाहर भागने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद हम गैब्रियल और स्टू को देखते हैं जो कि एक रिवर में साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं।
नाउ उसी रात गैब्रियल स्टू को उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर क्वेश्चन कर रहा होता है और इसी के साथ स्टू को पता चलता है कि गैब्रियल विस्लर कैंप के साथ काम करता है। जी हाँ दोस्तों, तभी ओवेन और जेन यहाँ आ जाते हैं और गैब्रियल के साथ स्टू को जबरदस्ती एवर्जन थेरेपी, जो कि एक तरह का टॉर्चर ही था, उसके लिए ले जाते हैं, जिसमें वो स्टू को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं सेइंग कि इससे वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक के कारण स्टू बेहोश हो जाता है और उसे नर्स मॉली के पास ले जाया जाता है, जहां मॉली उन लोगों को पुलिस की धमकी देती है, लेकिन ओवेन उसे ऐसा कुछ करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि यहाँ कोई नेटवर्क ही अवेलेबल नहीं है। हार मानकर मॉली को ना चाहते हुए भी उनकी बात सुननी पड़ती है। तो इस घटना के बाद सीन जेन और सारा पे शिफ्ट करता है, जिनके सामने अचानक से वही मिस्टीरियस फिगर आकर उन्हें एक कुल्हाड़ी से जान से मार देता है। नाउ दूसरी तरफ हम गैब्रियल को देखते हैं जो कि रिवर साइड रिलैक्स कर रहा होता है, एंड देन तभी उसे एक मृत शरीर दिखती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि बाल्थाजार की थी। बाल्थाजार को इस हालत में देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी वो मिस्टीरियस कैरेक्टर गैब्रियल को भी जान से मार देता है। अब जैसे जैसे लोग कम हो रहे थे तो इवेंचुअली ग्रुप के सभी लोगों को मृत शरीर मिलने लगती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है और इससे वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सभी लोग इकट्ठा होते हैं और जॉर्डन ओवेन से सभी को सेल्फ डिफेंस के लिए गन देने को कहता है, लेकिन ओवेन ऐसा करने के लिए मना करता है और कोड़ा को गन लेने के लिए अंदर भेजता है, लेकिन तभी पता चलता है कि उस मिस्टीरियस फिगर ने कोड़ा को भी मार दिया है। इन सब चीजों से परेशान अलेक्जेंडर और मॉली डिसाइड करते हैं कि वो लोग उन सभी लोगों को बचाएंगे और कैंप से दूर ले जाएंगे ताकि वो लोग पुलिस से कॉन्टैक्ट कर सके और अपनी जान बचा सके। उन दोनों का साथ देने के लिए जॉर्डन भी तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो यहीं रुक कर उन लोगों का वेट करेगा। वो दोनों हेल्प की होप में वहां से निकल जाते हैं और जॉर्डन कोड़ा के रूम में जाकर गन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां ओवेन आ जाता है, जिससे डरकर जॉर्डन क्लोजेट में छिप जाता है। यहाँ उसे कोड़ा की मृत शरीर पड़ी मिलती है, साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि वो मिस्टीरियस हुडी फिगर और कोई नहीं बल्कि मॉली ही है जो कि अभी यहाँ ओवेन को जान से मारने के लिए पहुंची थी। ओवेन डर के मारे नीचे गिर जाता है और मॉली उस पर नाइफ पॉइंट करके अपना असली नाम एंजी फेल्प्स बताती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खुलासा होता है कि मूवी के शुरू में जिस लेडी को मॉली ने मारा था असल में वही रियल नर्स थे जिसका नाम मॉली था और उसे खत्म करके एंजी उसकी जगह ले ली थी। एंजी का ये सब करने का राज भी यहाँ खुलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि एंजी ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि बचपन में वो भी यहाँ कैंप अटेंड करने आई थी, लेकिन उसको भी स्टू की तरह ही टॉर्चर किया गया था और उस दिन के बाद से उसने डिसाइड किया था कि वो हर कन्वर्जन कैंप को बंद करवाएगी जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। अब एंजी ओवेन को मारने ही वाली थी कि तभी ओवेन किसी तरह बचकर उसका ही गला दबाने लगता है। ठीक इसी टाइम जॉर्डन क्लोजेट से निकल कर आता है और ओवेन की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। अब यहाँ खड़ी एंजी जॉर्डन को फोर्स करती है कि वो ओवेन को मार दे, लेकिन तभी जॉर्डन गन नीचे कर लेता है और वहां से बाहर जाने लगता है। अब वो बाहर जा ही रहा होता है कि तभी एंजी ओवेन को सामने की वॉल पे धक्का दे देती है और यहाँ वॉल पे लगे किसी एनिमल हॉर्न की वजह से ओवेन की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और एंजी बचने के लिए जॉर्डन को अपने साथ करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो दोनों मिलकर ऐसे कन्वर्जन कैंप्स को बंद करा देंगे हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन जॉर्डन बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल जाता है जहां ढेर सारी पुलिस खड़ी थी। पुलिस एंजी को अरेस्ट करती है और अब मूवी के एंडिंग सीन में हम जॉर्डन, अलेक्जेंड्रा, किम और वेरोनिका को देखते हैं जो अपने आगे की लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी दे दे मूवी की एक्सप्लेनेशन और इसे सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ LGBTQ+ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे स्ट्रांगली रखने की कोशिश करी गई है थ्रू स्लैशर हॉरर जॉनर। यहाँ हमें दिखाया गया कि कैसे सिसजेंडर लोग डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले लोगों को परेशान या फिर कन्वर्ट कर रहे थे और कैसे एंजी उनसे बदला लेती है। अब भले ही एंजी जॉर्डन जैसे लोगों के कॉज के लिए लड़ रही थी, बट स्टिल जॉर्डन उसके कत्लों को जस्टिफाई नहीं कर पाता, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं करता। फिल्म का टाइटल भी दे देम है, जो कि कई लोगों को पता होगा कि ये बहुत ही कॉमन प्रोनाउंस है जो कि LGBT+ कम्युनिटी में इस्तेमाल होता है। अब ऑब्वियसली ये फिल्म कई लोगों को पसंद आती है, स्पेशली वो लिबरल लोग जो कि LGBTQ एजेंडा को लेकर बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, लेकिन कई लोग इस फिल्म को नहीं पसंद करते हैं और आप समझ ही गए होंगे कि वो लोग कंजर्वेटिव्स होते हैं। अब यहाँ कौन गलत है कौन सही ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बट मैं यहाँ न्यूट्रल रह के बस इतना कह सकता हूँ कि जस्ट मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से इट वॉज ए वीक मूवी जिसे आप फन के लिए मे बी एक बार देख सकते हैं, बट स्टिल आई वोंट रिकमेंड इट। तो बस यही थी मेरी एनालिसिस ऑन द मूवी दे देम एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करके जंप टास्क को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।